नमस्कार, मी खदीर मिर्झा, माझ्या महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपला स्वागत करत आहे. प्रभाग क्रमांक 14 चे इच्छुक उमेदवार शेख अरशद यांच्या वार्डातील मतदारांकडून सत्कार. शहरातील चौफाळा येथील प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये काँग्रेस पक्षाचे इच्छुक उमेदवार शेख अरशद यांचा सत्कार करण्यात आला. कोणताही राजकीय हेतू नसताना देखील हा इच्छुक उमेदवार सदैव गरजू लोकांच्या मदतीस धावत असत. प्रभागातील लोकांना नाले, रस्ते, ड्रेनेज, पाण्याचे नळ आदी व्यवस्था करण्यातही याचे मोठे योगदान असल्याचे तेथील जनतेने व्यक्त केले. आणि शेख अरशद, आपण प्रभागातून आमचे प्रतिनिधित्व करत उभे राहावे, आम्ही तुम्हाला बहुमताने निवडून देऊ याची हमी देण्यासाठी तेथील समस्त नागरिकांनी या सत्कार सभेचे आयोजन केले होते. या सभेदरम्यान मी आपल्या या प्रभागाचा संपूर्ण विकास करून नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देईन, त्याचबरोबर नाले, रस्ते, ड्रेनेज, वीज इत्यादी सुविधा पुरवून आपल्या प्रभागाचा संपूर्ण विकास करीन याची हमी देतो, अशी माहिती काँग्रेस पक्षाचे इच्छुक उमेदवार शेख अरशद यांनी माझा महाराष्ट्र लाईव्हशी बोलताना दिली. यावेळी शेख लतीफ लोखंडवाला, शेख अरशद, वाजिद अनवर जागीरदार, साबेर चाऊस, अन्नूभाई गाडीपुरा, मोहम्मद अहमद आदींची उपस्थिती होती. मेरे कहने अगर सलाह देता तो मैं उनकी मदद कर देता था. तो मैंने एक फोन मारा, उसको फोन मारने के बाद जब भी बुलाया उन्हें आके हबीब टाइम इसके ने क्या करने का, इसका ये करने का, इसका ये करने का, ऐसे 8-10 मसले उन्हें मेरे सामने सॉल्व करा. उस चीज़ का अल्लाह और मैं उसका चीज़ का गवाह हूँ. तो उसी तरीके से तुम तो महिला के रहने आए, तुम्हारे भी कोई भी मसले मसाइल उसके बोल के हक से बोलवा. पहले साबिर भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो आए. और मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ कांग्रेस से, और हम पैनल में हैं. लतीफ भाई हैं, जागीरदार हैं, और मैं खुद हूँ. तो मैं ओपन जेंट्स से हूँ, ये लेडीज जेंट्स है, ये ओबीसी ओपन जेंट्स है. और हम जितना हो सके उतना आपको कॉपरेट करेंगे, और आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा हम सब. ये 2 महीने जो है आपको हमारे साथ लगातार आपकी जो ताकत है हमारे निकलेंगे आपसे बेहतर भी लकी बेहतर जो है. और सामने की कमी नहीं करेंगे, आपकी कोई शिकायत नहीं आनी चारों घर पूरे फौजे से ईमानदारी से आपकी लोगों का काम करेंगे. मेरा ये कहना है अगर ये पैनल बन जाता है तो आगे आप लोग अपने खामोशी का इजहार करते हुए कोशिश. नंबर 14 जून से इच्छु उम्मीदवार कांग्रेस, जो भी ठहरा तो मुझे अवाम ने ठहरा के लिए, और मैं जो भी काम करूँगा अगर जीत कर आऊँगा ना तो अवाम का काम करूँगा जो भी सरकार, और जितना भी हो सके उतना मुझे पब्लिक ने सपोर्ट किया है और आने वक्त भी सपोर्ट करेगी मुझे. प्रभाग नंबर 14 उसका इच्छुक उम्मीदवार साथ पैनल में अब्दुल लतीफ और जागीरदार साहब, और मैं खुद मोहम्मद अरशद जागीरदार, और गोविंद कोकुबा कोई जनसी वाले मैं खुद ओपन से कह रहा हूँ. मैं मुझे अवाम ने खड़ा किया है और मुझे अवाम चॉइस करती है जो भी मैं करता हूँ काम, इसलिए मुझे अवाम ने खड़ा किया है. इसलिए तो अवाम ने मुझे कहा है कि अब के बारे में तुम रहोगे, क्योंकि हमेशा हम काम करते आए हैं. अवाम ने कहा है कि आप खुद ठहरे. आपकी आता वेळ झाली आहे एक ब्रेकची, पुन्हा भेटूया एक ब्रेक नंतर. धन्यवाद.